हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं पर बेस्ड आज एक एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5। कुछ एग्जांपल्स हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अब आज एक्सरसाइज में उनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करके सामने रख लोगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन दिखता जाए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखते जाएं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर वन है आपका, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहला मैट्रिक्स है आपका 1, 2, 3, 4। आसान सा क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाला है a11। तो a11 के लिए हम लोग 1, 1 ये आपका एलिमेंट है, इसके लिए जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, कितना वैल्यू आएगा, 4 आएगा। a12 निकालेंगे हम लोग, तो a12 के लिए 1, 2 ये एलिमेंट हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम इसके लिए हाइड हो जाएंगी, तो a12 का वैल्यू कितना आएगा, 3। यहाँ पर a12 इक्वल्स टू -1 to the power 1 plus 2 इंटू ये आपका 3 है, तो ये आपका हो गया -3। यहाँ पर आपको देखना है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसकी पोजीशन है 1, 1 है, तो -1 का पावर 1 प्लस 1, तो इसलिए किसका आया है, पॉजिटिव आया है। ये -1 का पावर आपका 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये माइनस का आया है। बाकी ऐसे ही हम लोग आगे भी देखेंगे। अगला आपका एलिमेंट है a21। तो a21 के लिए हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे a21। 2, 1 का मतलब -1 to the power 2 plus 1, और ये आपका कॉलम और ये रो हाइट, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। -1 का पावर 3 यानी -1 into 2, तो ये कितना आ गया आपका, -2। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका a22। a22 के लिए ये रो और कॉलम हाइड कर देंगे, a22 इक्वल्स टू -1 to the power 2 plus 2 into 1, तो -1 का पावर 4 यानी ये +1 हो जाएगा into 1, तो ये आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हम चारों इसके कोफैक्टर फाइंड कर चुके हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, a11, a12, a21, a22। तो चारों की वैल्यू रख देंगे हम लोग 4, या फिर वैल्यू रखने से पहले इसको अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। देखिए यहाँ पर ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, ये देखिए इसका कॉलम बन गया, ये जो रो है ये क्या किस में चली जाएगी, कॉलम में, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। अब हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे a11 a12 a21 a22, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोगों ने 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक 2x2 के मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट मेथड बताया था, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 and 1। और इधर क्या बताया था, साइन चेंज, साइन चेंज -2 and -3। देखिए यही नंबर है ये, तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन चेंज और इंटरचेंज वाले तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। तरीका वही है, सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करने होंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो पहला एलिमेंट आपका क्या है, a11। तो a11 के लिए हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो इस रो को और कॉलम को, सॉरी
यहाँ पर हम लोग इधर आपकी रो है और इधर क्या है कॉलम है, इसको हम लोग हाइड कर देंगे। तो आपके पास जो कोफैक्टर बना 3501, तो 3 बन जाए 3 -5 × 0 0 हो गया, तो ये आपका 3 हो गया। इसमें आप सामने यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए प्लस का साइन ले रखा है सामने। अगला जो कोफैक्टर है इसका a 1 2, तो 1 2 जो है आपका, यहाँ पर सामने माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों है कि 1 + 2 कितना होगा 3, तो 3 कैसा वैल्यू है, ऑड वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन आपका माइनस का ले रखा है। ये आपका a 1 2 है, तो ये रो और ये कॉलम आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो आपके पास बचा 2 5 - 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 बन जा 2, माइनस फॉर्मूले का माइनस एक ऑलरेडी है, तो 2 5 जा 10, तो आपका हो गया 12, माइनस सामने लगाया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, -12। नेक्स्ट नंबर है आपका a 1 3, तो ये आपका a 1 3 हो गया। तो रो और कॉलम आपको क्या कर देना है, हाइड कर देना है, तो ये आपका हो गया 2 3 -2 0। अब देखो सामने की साइन की बात है, ये क्या है 1 3 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका साइन क्या रहेगा, सामने से पॉजिटिव रहेगा, प्लस का साइन आएगा, 2 × 0 कितना हो गया आपका 0, -2 × 3 कितना हो गया 6, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे हम लोग बाकी सारे जो कोफैक्टर्स हैं उनको भी फाइंड कर लेंगे। आपका a 2 1 2 1 के लिए आपका ये आपका a 2 1 हो गया, इसकी पोजीशन कैसी है, ऑड है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो सामने से क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये रो और ये कॉलम आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो -1 2 0 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस आपका बाहर है ही, -1 × 1 -1 और -0, तो ये आपका सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आगे हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है इसको, a 2 1 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे a 2 2 हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो a 2 2 कितना आ रहा है, सेम वे पर हम लोग फाइंड करेंगे, जो एलिमेंट है उसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे, तो उसी रो और उसी कॉलम को क्या कर देंगे हम लोग, हाइड कर लेंगे। और a 2 2 ये प्लस का है, क्योंकि 2 + 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। a 2 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 + 3 5 हो रहा है। a 3 1 4 है, तो ये वहाँ सामने से प्लस का रहेगा, अंदर से जो वैल्यू आएगी वो उसका साइन चेंज कर सकती है। a 3 2 ये भी एक ऑड वैल्यू है, तो ये माइनस का है। a 3 3 ये इवन वैल्यू है, तो ये किसका है, प्लस का है। अब इन सभी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए से पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर लिखेंगे तो क्या होगा, a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3। जब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तो ये जो रो है ये कैस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 1 1 a 1 2 a 1 3, ये किस में कन्वर्ट होगी, आपकी कॉलम में। सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। और जो सारी जो वैल्यूज हैं a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 3, सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इसका आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को वेरीफाई करना है a (a)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 (a
माइनस सिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो टू सिक्स कितना होगा, माइनस
12, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, एक माइनस पहले फॉर्मूले का आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 12। तो प्लस 12 और माइनस 12 ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है आप लोगों को, 0 मिल रहा है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हम लोग निकाल लेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स। उसके बाद एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एड जॉइंट ऑफ ए निकालना हम लोग सीख चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं एड जॉइंट ऑफ ए के। तो नहीं तो अभी आप लोगों को बताया था 2i2 के लिए यहाँ से क्या करना है आपको, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये -6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, और इधर क्या करना है आपको साइन चेंज। तो यहाँ से देख लीजिए 3, तो ये कितना हो गया -3, ये -4 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। 2i2 के मैट्रिक्स में तो निकालना काफ़ी आसान है साइन चेंज और इंटरचेंज से, 3x3 के में थोड़ी मेहनत लगेगी हम लोगों को। अब हम लोग जैसा ऊपर देखते हैं क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ए भी हमारे पास है, एडजॉइंट ए भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल, तो ए का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है एडजॉइंट ए का। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में बताया जा चुका है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। रो का मल्टीप्लाई किसमें किया जाएगा, कॉलम में। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो 2 6 12, तो ये क्या हो गया आपका 12, माइनस साइन है तो वहाँ भी माइनस आएगा, प्लस 3 4 12, तो ये कितना हो गया -12 +12। अब पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दूसरा कॉलम तो 2 3 6, तो -6 हो गया, 3 2 6, तो ये क्या हो गया आपका +6 हो गया। अब प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर अगला नंबर है आपका सेकंड रो का, ये रो है आपकी सेकंड रो, इसका पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 6 24 यहाँ पर माइनस और प्लस क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो यह हो गया 24 -24। अब हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 2 12, तो ये माइनस और प्लस क्या रहेगा आपका माइनस। अब यहाँ पर -12 + 12, -6 + 6, -24 + 24 एंड -12 + 12, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो ए इंटू एड जॉइंट ए क्या मिला आपको, 0 मैट्रिक्स। तो क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना है एड जॉइंट ए इंटू ए। तो इस बार हम लोग एड जॉइंट ए को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, सेम प्रोसेस। रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है, कॉलम में करना है। तो यहाँ से 6 2 -12, -3 2 -4 + 12, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी क्या आ गया आपका 0 मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। सेम वे पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन केयरफुली आपको कर लेनी है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एड जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ए
इनवर्स, इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों को इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका इनवर्स क्या आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है, तो रो का यहाँ पर आएगा -1 5 -3 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आएगा -2 प्लस 5 3 जा 15, तो यहाँ से आपका कितना आया, 13 आया, विच इज नॉट इक्व टू 0। सो वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेट अस स्टार्ट। ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कस टू आपका कितना है, 13 है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a11, तो a11 आपका कितना आ गया, 2 आ गया। a12, a12 के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस एलिमेंट -3 है, लेकिन एक 1 2 जब निकालेंगे तो 1 प्लस 2, -1 का पावर कितना होगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, -1 का पावर 3, तो ये कितने में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया है। अगला a21, a21 हम लोग फाइंड कर लेंगे, a21 इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे और a22 निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम लोग एड जॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ए क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो को फैक्टर मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, a11 a12 a21 a22, तो इसको हम लोग किस में लिख देंगे, ट्रांसपोज जब करेंगे एडजॉइंट ए, a11 a12 a21 a22, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a11 का वैल्यू कितना है, 2, तो ये 2 हो गया। a12 का वैल्यू कितना है, 3, तो ये 3 हो गया। a21 का वैल्यू कितना है, -5, तो ये -5 हो गया। और a22 का वैल्यू कितना है, -1, तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका था कल, ए इनवर्स इक्व टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना था, 13, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स है, तो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 5 जा 10 -0, तो ये हो गया 10 -0। साइन सिस्टम में आप लोगों को बता ही चुका हूँ पहले से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका पोजीशन 1 1 है तो ये क्या है, आपका प्लस है। इसका पोजीशन कितना है, 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका पोजीशन कितना है, 1 3, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। इसका पोजीशन कितना है, 2 1, तो ये 3 हो गया, यानी ये माइनस का होगा। ऐसे ही सारे जो साइन है वो ऐसे ही है, जिसकी पोजीशन दोनों को ऐड करने से इवन होगी वो प्लस का होगा, जिसकी ऑड होगी वो माइनस का होगा। तो फिर -2 के लिए हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है माइनस इसकी पोजीशन की वजह से आया है, तो 0 इंटू 5 0 4 इंटू 0 0, ये पूरा 0 हो गया। फिर अगला नंबर है 3, इसके लिए ओपन करेंगे तो रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे, तो 0 इंटू 0 ये 0 हो गया, -2 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करके कितना मिला, हम लोगों को 10 मिला। नाउ वी फाइंड को फैक्टर्स, 10 है जो कि नॉन जीरो है,
तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो हम लोगों को इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। ए वन वन, तो ये आपका वन वन है, तो ये कॉलम और ये आपकी हाइड हो जाएगी। तो 2 5 जा 10 - 0, ये कितना हो गया 10 - 0। ऐसे ही ए वन टू निकालेंगे, तो जब ए वन टू हम लोग निकालेंगे ये आपका ए वन टू, तो ये कॉलम और ये हाइड हो जाएगा 0 - 0, ये आपका क्या हो गया 0। ऐसे हम सारे इसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम लोग। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये हम लोगों का क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये रो किस में लिखा जाएगा, कॉलम में लिखा जाएगा, तो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों को यहाँ से मिला, ये जो वैल्यू है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2। अब ए इनवर्स वाले फॉर्मूला से ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी और एडजॉइंट ऑफ ए का भी वैल्यू रख दिया, तो हम लोगों को मिल गया ए इनवर्स। सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स बाय दैट वे। नाउ सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 9, सेम प्रॉब्लम, 3 by 3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 10, सेम प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देख लेते हैं, प्रॉब्लम तो सेम ही है बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज है। तो फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट, सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम लोग इसको ए लेट कर लेंगे तो हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले रो के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन आउट तो हो जाएगा कॉस, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा हम लोगों को, -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। हम लोगों को कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो ए वन वन के लिए वही प्रोसेस है, रो और कॉलम को ऐड करेंगे, ए वन वन मिला हम लोगों को, फिर इसके लिए ए वन टू फाइंड करेंगे, फिर ए वन थ्री, सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड करने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट के लिए वही तरीका है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। बताया आप लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स कई बार बता चुका हूँ, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। जब एडजॉइंट निकालेंगे तो रो को किस में लिख देंगे हम लोग, कॉलम में लिख देंगे, और सारी वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। उसके बाद इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू मेट्स एज
एंड बी एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। कल हम पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, वो बिल्कुल ऐसे ही था। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 7 2 5। तो पहले हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 5 15 माइनस 2 7 14 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। उसके बाद जो कि 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स जब पॉसिबल है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालने के बाद a11 a12 a21 a22 हम लोग एडजॉइन निकाल लेंगे। एडजॉइन के बाद क्या निकालना है, हम लोगों को इनवर्स निकालना है। ऐसे हम लोगों को बी इनवर्स निकालना है। बी दे रखा है, बी का डिटर्मिनेंट निकाला -2, 0 नहीं है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे कोफैक्टर्स की मदद से। तो बी इनवर्स भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बताया था आपको मल्टीप्लाई करना। रो का मल्टीप्लाई किस में होता है, कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो -9/2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में। तो 5 9 = 45, तो -45/2, 4 2 = 8, तो ये कितना हो गया आपका, -8। अब आप जो रो है उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 9 7 = 63/2 और 4 3 = 12। फिर आप लोग सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में ऐसे, तो 7 5 = 35 और -3 2 = 6। उसके बाद हम लोग सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 = 49, -3 3 = 9। तो इस तरह से हम लोगों को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। पहले ए बी फाइंड करने के लिए ए का बी से करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का पैटर्न वही है, रो का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, कॉलम में करना है। तो ये हमें ए बी फाइंड हो गया। उसके बाद हम लोग ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना -2 आया है जो कि 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम लोग इसको इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए वही तरीका, पहले हम लोगों को क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोगों ने इसका एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट निकालने से इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का वही फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम लोगों को ए बी का इनवर्स मिला। तो दोनों इक्वेशन से देखने से हमें पता चलता है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सो वी कैन सॉल्व इट इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को एक 2/2 का मैं एग्जांपल करा चुका हूँ कल, एग्जांपल नंबर 26। सो यू कैन सॉल्व इट। मैं एक 3/3 का कराऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पर ए, और ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए इंटू ए हम लोगों ने इसको लिखा, ए इंटू ए। और रो का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, कॉलम में करना है। तो करके देखिए आप लोग रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। तो रो का मल्टीप्लाई हम लोगों को किस में करना है, कॉलम में करना है। तो 3 3 = 9 प्लस 2 1 = 2। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे हम लोग। जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 2 = 6 प्लस 2 1 = 2। जितने कॉलम होंगे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकेंड रो उठाएंगे,
सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 1 × 3, 3 + 1, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में तो 2 + 1, तो हमें सॉल्व करके ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल्स टू जीरो, हम लोग इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं इससे, तो ए स्क्वायर वी कैन राइट ए स्क्वायर ए इंटू ए, और इसमें हम लोगों ने ए इनवर्स से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई करना था बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जब पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो इंटू ए इनवर्स प्लस ए ए ए इनवर्स प्लस बी आई इंटू ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ से, कैपिटल ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया आपका आई हो गया, यहाँ पर आपका आई इंटू ए इनवर्स लिखेंगे इसको हम लोग, एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया आपका, फिर से आई हो गया, ए इंटू आई आपका एज इट इज है, और आई इंटू ए इनवर्स, आई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इनवर्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो आगे देखते हैं अगले स्टेप में, ए इंटू आई, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा ए इंटू आई, और इधर बी ए इनवर्स को हम लोग दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिए तो ये माइनस का हो गया। तो ए इनवर्स का जो वैल्यू मिला हम लोगों को मिला -1/b a + i। अब हम लोगों को ए इनवर्स इक्व टू 1/determinant of a × adjoint of a, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 × 3 - 2 × 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 3 - 2 = 1, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ तो पूरा मेथड से निकाल लिया, अदरवाइज आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, बताया था आप लोगों को इंटरचेंज और साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिलेगा 1, 3 - 2 और - 1, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो ये ए इनवर्स हम लोगों को फाइंड हो गया। अब ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ए इनवर्स का वैल्यू पुट कर दिया -1/b ए का वैल्यू प्लस ए इंटू आई, ए इंटू आई, आई क्या होता है आपका 1, 0, 0, 1, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब दोनों साइड में इसको ऐड करके कंपेयर कर दीजिए, हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर दिए, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर दिए, -1 को इधर कंपेयर करेंगे और 3 को हम लोग इधर कंपेयर करेंगे, तो सबको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो किसी को भी जिससे इजीली हमें नंबर मिल जाए उससे कंपेयर कर देंगे तो हमें आसानी से ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको कंपेयर करने से वैल्यू आसानी से मिल रहा है, तो -1/b = -1, -1 कैंसिल, बी का वैल्यू कितना मिला आपको 1 मिला, तो देखिए बी का वैल्यू कितना आ गया 1। अब बी का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर इसको कंपेयर करके लिखा है, तो बी का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू हमें कितना मिला -4, तो ए और बी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया -4 और 1। यहाँ पर हम लोगों ने जो ए स्क्वायर फाइंड किया है इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है, तो आप लोग इसको भले ही नोट न करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है 1, 1, 1, 1, 2 - 3, 2 - 1, 3, तो उसके लिए शो करना है आपको कि जो इक्वेशन है वो सही है, इक्वल्स टू जीरो है,
एंड उसी की हेल्प से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो दोनों ए का मल्टीप्लाई आपको ए से ही करना है। तो रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से करना है। तो रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम से आप लोग करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, और वन इंटू टू टू। तो ये आ गया वन प्लस टू। अब इसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, वन इंटू माइनस वन माइनस वन। तो ये आपका दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आप जो अगला कॉलम होगा उसमें करेंगे, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस थ्री वन इंटू थ्री थ्री। तो ये आपका अगला एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग उठाएंगे थर्ड रो, पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये नंबर हमें जो मिला वो आपका क्या है, ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर के बाद हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखा है उसमें ए क्यूब भी फाइंड करना है। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम उसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू और ए का वैल्यू दोनों को हम लोगों ने लिख दिया। फिर वही प्रोसेस मल्टीप्लाई की, क्योंकि ए स्क्वायर भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है और ए भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू मिली हमें वो किसकी वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है। अब ए स्क्वायर भी आपके पास अवेलेबल है, ए क्यूब भी आपके पास अवेलेबल है, ए भी है और आई भी है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग इसकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, वी हैव ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, ए क्यूब का वैल्यू पुट किया, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू पुट किया और आई का वैल्यू पुट किया। उसके बाद सिक्स को ये जो सिक्स है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये फाइव का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और इलेवन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगले स्टेप में देखेंगे ये जो, या तो आप डायरेक्ट सबको ऐड कर सकते हैं, जैसे एट माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फाइव प्लस इलेवन, और सॉल्व करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि जीरो है। तो दस ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल्स टू जीरो। नाउ वी हैव टू यूज इट टू फाइंड ए इनवर्स। अब हमें इसकी हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर वाले में किया था, हमको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जीरो नहीं है, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है इसका। तो ए क्यूब को हम लोगों ने लिखा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स माइनस सिक्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस फाइव ए इंटू ए इनवर्स प्लस इलेवन आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। जीरो से इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ से ए इंटू इनवर्स हो गया, यहाँ भी ए इंटू इनवर्स, और ये ए ए इनवर्स है, ये नंबर हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का हो गया। अब ए इंटू इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका, आई को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ए इंटू इनवर्स आई हो जाएगा, फिर आई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा, और इधर आपका ए इंटू इनवर्स क्या हो गया, ये आई हो गया इक्व टू। आई का जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए इनवर्स ही रहेगा।
तो यहाँ से हम लोगों ने ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड किया, माइनस वन बाई इलेवन, ये माइनस वन बाई इलेवन माइनस इलेवन का उधर डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव आई। अब आपके पास ए स्क्वायर का भी वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है और आई का भी वैल्यू है जो कि हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव आई, ए स्क्वायर का वैल्यू माइनस सिक्स ए का वैल्यू प्लस फाइव इंटू आई का वैल्यू। जब ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें ये जो वैल्यू मिला, ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव आई का जो वैल्यू मिला वो हमें मिला यहाँ पर थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन वन फोर माइनस फाइव थ्री वन। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर आपका जो इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस वन बाई इलेवन और है उसके सामने, तो माइनस वन बाई इलेवन और ये आपने जो वैल्यू फाइंड किया वो पुट कर दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें किसका वैल्यू मिल गया, ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग इसी वे पर कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू टाइप है। ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। तो मैंने आप लोगों को एक थ्योरम बताई थी, उसमें बताया था एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ये पूरा सॉल्व करके किया है यहाँ पर, जो मैंने कल आप लोगों को सॉल्व किया था वो यहाँ पर फिर से सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इसका ऑर्डर कितना है, थ्री है, तो थ्री माइनस वन इसका कितना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। 18 क्वेश्चन है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका इनवर्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए कोई आपका मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका ये वैल्यू होगा, तो ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर आपने एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू रख दिया, जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू आप लोग फाइंड किए हैं डी माइनस बी माइनस सी ए, डी माइनस बी माइनस सी ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड कर दिए हैं। जब इसका हम लोग ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस पर फिर से डिटर्मिनेंट लगा देंगे, तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई सेम एलिमेंट कॉमन लिया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया दोनों रो से या दोनों कॉलम से, जैसा आप लोग चाहें, तो हो जाएगा वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, बाकी डी माइनस बी माइनस सी ए ऐसे रहेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डी ए माइनस बी सी ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेंस आंसर बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज 4.5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी, जो क्वेश्चंस रह गए हैं डिस्कस नहीं किए हैं उनको